प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं एस के इलाहाबादी। इस वक्त मौजूद हूं छतनाग शमशान घाट पर। जी हां, आज दिवाली की अमावस की काली रात है। शमशान घाट पे एक और जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं तंत्र विद्या को साधने के लिए तांत्रिक घाट पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां से चंद कदमों की दूरी पे कुछ तांत्रिक बैठकर अपनी साधना की सिद्धि कर रहे हैं। तांत्रिकों ने बातचीत में बताया कि दीपावली से लगभग 21 दिन पहले ही उनकी साधना शुरू हो जाती है। यह साधना उनकी एकात्मा की सिद्धि के लिए होती है। ऐसा करने से उन्हें एकात्म की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह जो चाहते हैं, उनकी जो इच्छा होती है, वैसी मनोकामना वह सिद्धि के बाद प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि इस तरह की सिद्धि प्राप्त करने से रोग, दरिद्रता और व्याधि भी दूर होती है। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये चिता जल रही है। आज दीपावली की अमावस की काली रात है, घाट पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस अमावस की काली रात में तांत्रिक अपनी साधना सिद्धि में बस यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे व्यस्त हैं। तांत्रिकों का मानना है कि दीपावली के मौके पर यदि शमशान में आके सिद्धि प्राप्त कर ली जाए तो तमाम तरह की दुख दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। बहरहाल इसमें कितना सच है यह तो तांत्रिक ही बता सकते हैं। आज आप ये अमावस्या की काली रात है, ये शमशान घाट है बाबा मशान की, लोग पूजा क्यों करने आते हैं? ये काली रात में ही इसकी सिद्धि ही होती है और इसकी सिद्धि जो है 21 दिनों तक चलती है। तो आज पहला दिन है? नहीं नहीं, हमारा तो 21 दिन हो गया, तो मैं कहीं और से कर रहा तो आज यहाँ पर इसको पूर्णता के लिए आ गया। तो ये क्या बोला जाता है, कौन सी सिद्धि थी? ये तारा की साधना है। तो इसके क्या लाभ होते हैं? इससे है ज्ञान, अतीन्द्रिय, रोग क्लेश, समस्त मतलब परेशानियों को दूर करने वाली शक्ति है ये। तो आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है या अभी आप आज आखिरी दिन है? नहीं, मतलब सिद्धि तो हमें काम तक है, किसी रोग दोष इसको संभालने की कुछ है सकती, लेकिन अभी पूर्ण रूप से मुझे इसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है अभी। तो दर्शन कैसा होता है? दर्शन उसकी शक्ल से उसका होता है, मतलब आत्माओं का दर्शन या नहीं, मतलब नहीं, ये तारा का जो मतलब दर्शन, इसका एक जैसे काली का ही एक इसका रूप है। तो जब इसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है उस समय वरदान स्वरूप कुछ मांगा जाता है। अच्छा, तो वो चीज अभी हमें नहीं हो पाई है। तो ये दर्शन कैसा होगा, मूर्त रूप से दर्शन होता है या अमूर्त रूप से दर्शन होता है? इसका एक छवि जैसे आप कल्पना करते हैं किसी चीज का, वही रूप जो है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है उस समय। आप एकदम मसान मतलब चिता के एकदम करीब बैठे हैं, कभी डर नहीं लगता? नहीं, कभी डर नहीं लगता, इसमें मेरी रुचि है। मैं 9 में पढ़ रहा था तब से। कक्षा 9 से? 9 से। मतलब मशान बाबा के यहाँ, मतलब आपको शमशान पे आते दिवाली की अमावस्या रात, कितने साल हो गए? अब मैं करीब आज हमको 30 साल हो गए इस लाइन में। 30 साल। लेकिन मैं पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जैसे
आठ दस पंद्रह साल से कुछ काम ज्यादा होने लगे तो जहाँ जिसका काम हो जाता है खुशी मिल जाती है। प्रभात खबर से एसके इलाहाबादी प्रयागराज। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।